सरकार हम नहीं आने दे सर क्या कहना चाहेंगे इस बार महाविकास आघाड़ी को जनता ने बहुत प्यार दिया क्या कहना चाहेंगे जो चाहना है वो लोगों ने चाह दिया है और इस देश से मोदी को दिखा दिया कि हमसे बढ़कर कोई नहीं तुम कितना भी अन्याय करो कितना भी अत्याचार करो तुम जो भी करो लेकिन जनता अभी तुम्हारे साथ नहीं है ये लोगों ने दिखाई दिया है। सर अपनी बार 400 पार का नारा जो है जुड़ा साबित हो रहा है और अपनी बार बीजेपी गरीब पार का नारा जो है काफी जनता ने कर दिया क्या कहना? उद्धव जी ने एक नारा दिया था आपकी बार 400 पार मोदी जो बोल रहे थे तो उद्धव जी ने नारा दिया था आपकी बार 400 पार नहीं तो आपकी बार मोदी तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार तड़ी पार राहुल गुड़ा राहुल गुड़ा मणि अरे मनी अरे राहुल राहुल ये तो पहली बात तो राहुल गांधी की मेहनत है और संजय पाटिल का काम है और ये सब कार्यकर्ताओं का काम है कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो नरेंद्र मोदी ने सत्ता का दुरुपयोग किया था और ये दुरुपयोग करके लोगों ने सहा और लोगों को जब लगा कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ अन्याय हो रहा है जनता की लूट हो रही है जनता को त्रासा दिया जा रहा है तो जनता ने उनको दिखा दिया उनको उनकी औकात दिखा दी उनको हार दिखा दी बल्कि थोड़े वोट से वो जीते हैं लेकिन एक टाइम वो पिछाड़ी पे थे और वो बहुत बड़ी बात है ये नरेंद्र मोदी पिछाड़ी पे गया यही उनकी हार थी। क्या लग रहा है सर राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे सबसे दिख रही है उन्होंने जोड़ दिया भारत को भारत जोड़ो भारत मोहब्बत से जोड़ दिया पूरी बहुत तरह मोहब्बत से जोड़ दिया है और राहुल गांधी आगे आगे देखो होता है क्या जो पप्पू है पापा बन गया है अब पप्पू बनाया था उसको अब वो पापा बन गए जनता की जीत है 10 साल से जो देश में अन्याय था उसके ऊपर न्याय की जीत है राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा निकाला और जो न्याय का वादा किया बात उसे देश की जनता ने अपनाया और जो महंगाई से त्रस्त है उन लोग और जो सिर्फ पूंजीपतियों की भलाई हो रही है इस देश में और महाराष्ट्र की जो संस्कृति का अपमान हुआ जिस तरीके से यहाँ पे जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई गई जो महाराष्ट्र के लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं था इस सब चीज़ों का जवाब मोदी और अमित शाह के कान में बहुत जोर से लोगों ने इन पटाखों के माध्यम से बताया है और संजय पाटिल जी यहाँ ईशान्य मुंबई के लोकप्रिय उम्मीदवार थे माजी खासदार रहे और फिर एक बार लोगों ने उनसे उन पर अपना भरोसा जताया है और भारी बहुमतों से वो जीत कराए उस 10 साल पहले का उनका नारा जनता को याद आया जब उन्होंने कहा कि 15 लाख हर एक गरीब के अकाउंट में देंगे तो उसी तरीके से जैसे इन्होंने 400 पार कहा तो देश के जनता को ये लगा कि 400 पार पेट्रोल डीजल दाल की कीमतें होंगी दूध की कीमत होगी इस बात से जनता ने डर करके बीजेपी को नकारा और इंडिया अलायंस को जिताया ये मैं कहना चाहता हूँ। संजय दीना पाटिल हमारे सबके हमारे अपने भाव हैं और जिस तरीके से वो हमेशा से काम करते आए और ऊर्जा के साथ इस बार वो करेंगे ये मैं शुभेच्छा देता हूँ और पूरी आशा रखता हूँ। तो मुझे सुनाई दे रहा है 35,000 की लीड मिली है संजय भाव को माइनॉरिटी के पर जो जुलूम हुआ था
मोदी राज में मायावती ने खटाखट जो राहुल जी की भाषा में वैसा वोट डाला है और इसका परिणाम ऐसा है कि 35,000 की लीड मिली है। तीन तीन आमदार और यहाँ तक का मोदी जी ने यहाँ तक का रोड शो किया था घाटकोवेक्स में, इतना लोग तरस थे बीजेपी से। यही वजह से बीजेपी के अगेंस्ट क्या ये जो वोटिंग उनका और भाऊ को इतनी अच्छी लीड मिली। संजय भाऊ को हमारे पूरा इंसान ने मुंबई जो कांग्रेस के तरफ से सभी को छोटे बड़े बुजुर्ग को हाथ जोड़ करके सबको नमस्कार करते हैं और हार्दिक बधाई देते हैं कि संजय भाऊ पाटिल जो आप लोग के आशीर्वाद से जीत के आ रहे हैं, ये आप लोग का आशीर्वाद है, पूरी जनता का आशीर्वाद है, इसलिए हम सबको शुभेच्छा देना चाहते हैं। और भाऊ देखिए, भाऊ को जिस दिन सीट डिक्लेयर हुआ उसी दिन भाऊ का सीट क्लियर हो गया, क्योंकि आप मानोगे नहीं, भांडुप में मुलुंड में बिक्रौली घाटकोपर कांजूर शिवाजी नगर मानखूद गोवंडी भाऊ को सब अपना भाऊ मानते हैं। भाऊ मतलब अपना बड़ा भाई छोटा भाई भाई ऐसा लोग मानते हैं उनको, और इतना प्यार है लोगों के लिए, इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा उनका कि लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं और वो लोगों के लिए काम करते हैं। कोई बच्चा भी हो जाते रहेंगे आगे, जब नजर जाएगा फटक से गाड़ी रोक करके और पीछे देख करके उसको हाई कप करके जाएंगे। यही मैं संजय भाऊ की तरफ से सभी जनता को धन्यवाद देता हूँ और मैं श्री राहुल गांधी जी का एक बब्बर शेर कार्यकर्ता हूँ, ये सभी का बब्बर शेर कार्यकर्ता है। जो जिस हिसाब से राहुल गांधी ने काम किया, जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे जी ने काम किया, प्रियंका गांधी ने काम किया, उस हिसाब से हम लोग उनके आदेश को पालन किया और आने वाले समय में हम और आगे जाएंगे और हम लोग विधानसभा भी जीत के दिखाएंगे, महाराष्ट्र में हमारा मुख्यमंत्री होगा। धन्यवाद। देखिए, संजय दीना पाटिल बहुत पहले से जो है कि NSY से लेके खासदार तक का उनका सफ़र रहा, वो आमदार भी रहे, उन्होंने भांडुप की जनता का प्रतिनिधित्व किया। इस मुंबई शहर में जब से भाजपा का शासन था, आप गोरेगांव आरे कॉलोनी शेड का मसला देख लो, मेट्रो शेड का मसला देख लो, या ट्रैफिक के इशू देख लो, महंगाई देख लो, ये सब को देखते हुए मुंबई की जनता ने फैसला लिया कि इस बार जो इनके 6 खासदार हैं NDA के, उनको बदलना है, जिसमें से हमने 5 जगह हम जीत रहे हैं, एक बड़ा बदलाव है। मैं भाव को ये शुभेच्छा देना चाहता हूँ कि इस जनता ने आपको ये जो विजय का प्रतिशत दिया है, जनता का काम करिए और आने वाले 5 सालों के बाद वापस आप इस ईशान्य मुंबई के लोकसभा क्षेत्र का वापस आप प्रतिनिधित्व करिए, क्योंकि इस देश को विकास सिर्फ महाविकास आघाड़ी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। तो जनता के लिए आज जो है बहुत बड़ा दिन है, तरीके से वाली महाविकास आघाड़ी, ये एक अन्याय के ऊपर न्याय की विजय का ये जीत है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे वो खुद आर पार हो गए, और इस बार कांग्रेस जो जिसने देश को मजबूत और प्रगति दिया है और वापस आगे भी देती रहेगी, उसके साथ ही हम ये जश्न मनाएंगे। और लोकतंत्र की ये विजय है, लोकतंत्र में कोई तानाशाह नहीं रह सकता, इसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। अध्यक्षता तो हमारी पहले से ही थी, हमको मालूम था वो आने ही वाले थे। ये सब राजनीति है ना, ये गली का खेल चालू है, तो अब जनता है वो सुधना ने वो बराबर वोट हम लोग को ही देने वाले थे। हम लोग तो पहले से ही गारंटी की थी कि संजय पाटिल ही आने वाले। हाँ, और शुभेच्छा यही रहेगी, अभी आगे का सरकार हमारा आएगा, उद्धव साहेब पंतप्रधान होना चाहिए, यही हमारी इच्छा है। आएगा ही, होएगा ही, ये लोग ने जो हमारे पास जे थे MLA बोलो कि वो खासदार विदार थे, वो लोग ने छक्के पंजे करके अपने पास लिया। हाँ, और ये जनता है ना, वो क्या इतनी बोली वाली नहीं है। अब छोटे बच्चों को भी पूछेंगे ना तो वो सब जानता है राजनीति कितना, अभी जनता होशियार हो गई है। और ये लोग को दिखाना ही था, जनता सब जनता बोल रही थी कि ये लोग को हम लोग उनकी जगह दिखाएंगे,
और ये जनता ने निकाल दिया है भाजपा और तो भाजप को तड़ी पार किया है। अरे जनता, क्योंकि कोरोना जैसा जो बीमारी आई थी उसमें अपना जो उद्धव साहब ने काम किया है वो अपना बाहर का देश ने भी उनकी वो काम की तारीफ की और वो एक ही वजह से हाँ आज उद्धव साहब इतना काम कर रहे हैं। खुद आप बीमार थे फिर भी वो हम लोग जैसे शिवसैनिक थे उनके हाँ वो काम कर रहे थे रास्ते पे उतर के और वो हमारे साहब जो आदेश देते थे वो हम लोग सर आंखों पे लेके काम कर रहे थे और उसका ये नतीजा है कि आज हमारा सीट आ गया है।